Yes, class. Hello, everyone. Class, in a chapter 3, we will solve some problems from NCERT book. है ना? बहुत लोग बोल रहे थे कि NCERT का भी solution चाहिए. तो NCERT का वैसे तो जितना solutions, जितने questions दे रहा हूँ, वो सारे जो होते हैं solve करने पे NCERT खुद ब खुद solve होगा. But class 3.1 का है ना? Exercise 3.1. This one, it is saying that Altaf tells his daughter 7 years ago. 7 years ago. Ago मतलब होता है 7 साल पहले. I was 7 times as old as you. तुमसे 7 साल बड़ा है ना? As you were then. Also 3 years from now, 3 साल आज के बाद, I shall be 3 times as old as you will be. अभी तुम जितने का होगा उससे जो होता है 3 years क्या होगा? मैं यस क्लास, अब क्वेश्चंस मैंने लिख दिया, अब थोड़ा अच्छा लगेगा समझने. क्लास, अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. कहता है कि अल्ताफ दिस ही टेल्स टू हिज डॉटर, अपने अपने डॉटर से बोल रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले है ना, I was 7 times as old as you were then. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे क्लास? लेट प्रेजेंट is of Altaf be x years and daughter is y years. एक का एक्स ले लिया. यू विल ऑलवेज, दोनों बाप और बेटी है तो हमेशा बड़ा कौन होगा? बाप बड़ा होगा, बेटी तो बड़ी होगी नहीं है ना. तो 7 years ago, 7 साल पहले कर रहा है. तो 7 years ago, 7 years ago क्लास अल्ताफ कितना बड़ा होगा? अल्ताफ x माइनस 7, 7 साल पहले, और 7 years ago डॉटर कितनी होगी? डॉटर y माइनस 7. दोनों कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then. तो 7 times कौन होगा? उसका बाप है ना, फादर. तो फादर विल बी 7 times है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. देखो x माइनस 7 और y माइनस 7, इन दोनों को हमें इक्वल करना है. तो 7 times, 7 times कहता कि I was 7 times as old as you were then, जब तुम जो होता है होगी तब. तो डॉटर में क्या करता हूं कि 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्लास. तो कितना दोनों इक्वल हो जाएगा? x माइनस 7, 7y माइनस 49. x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7, दैट विल बी माइनस 42. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. नाउ सेकेंड इक्वेशन क्लास, 3 years ago क्या कहता है? थ्री ईयर फ्रॉम नाउ, आज के बाद 3 years है ना. थ्री ईयर फ्रॉम नाउ अल्ताफ कितना होगा? अल्ताफ x प्लस 3 एंड 3 years फ्रॉम नाउ डॉटर कितना होगा? y प्लस 3
तो फिर भी सेवन टाइम्स कौन होगा, थ्री टाइम्स कौन होगा, बाप। तो हम लोग किस में कर देंगे, इक्वल करने पे, इक्वल करने के लिए एक्स प्लस थ्री और वाई प्लस थ्री किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री वाई प्लस नाइन, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू थ्री, नाइन माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स क्लास, एंड आफ्टर दैट एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, एंड थर्ड फर्स्ट इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट क्लास, सो इट इज अ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन क्लास, वी विल डू मोर इट। Suppose that if you want to find the find age of the daughter, then first equation is x minus 7y equal to minus 42. We have already find it class. Hope so. X minus 42. This was our first equations class. Now you will just do it, adding subtract first minus second, after that first is x minus 7y equal to minus 42, or this one x minus 3y equal to 6 plus, this is the minus plus minus, this will be cancelled, this is the 4, this is a 4 minus 4y, minus 4y equal to minus 48, this will be y equal to minus 48 upon minus 4, 12 for the any plus the age of daughter is y was y, and that is the age of daughter will be 12 year, and father is, how you will find the father is class, father is, you will put the value in any equations and find it. Suppose putting y equal to 12 in equation first में ही रख दे रहा हूं, तो ये कितना हो गया x minus 7 into 12 equal to minus 42, और ये कितना हो गया x minus 12 7 जा 84 equal to minus 42, now x is equal to minus 42 plus 84 equal to कितना हो गया क्लास 42 ईयर्स, यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, है ना, तो बाप और बेटी दोनों का एज देखो, फादर का अल्ताफ जो होगा, अल्ताफ का एज कितना हो गया 42 ईयर्स, एंड डॉटर का एज कितना हो गया क्लास, दैट विल बी 12 ईयर्स, है ना, ये इसका आंसर हो गया क्लास, दिस इज, होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास, यस क्लास। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल, कितने हैं थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल, फॉर रुपीज 3900 रुपीज, अबाउट 3900 रुपीज, लेटर सी वाइज अनदर बैट, है ना, अनदर बैट मतलब एक और बैट, है ना, वन बैट, एंड टू मोर बॉल फॉर द सेम काइंड्स, इज इतना क्लास। अब नाउ इसने और भी खरीदा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे क्लास, लेट सीपी ऑफ बैट is
सिटी ऑफ वन बैट, वन बैट इज एक्स रुपीस, कितना एक्स रुपीस में उसने एक बल्ले का खरीद, एंड सीपी ऑफ वन बॉल इज रुपीस बाय क्लास, कितना रुपए बाय रुपीस में ये खरीदा। देन व्हाट, कितने बैट्स खरीदा, नंबर ऑफ बैट्स थ्री, ठीक है ना। देन टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल सीपी ऑफ थ्री बैट्स कितना हो जाएगा, एक्स इंटू थ्री, थ्री एक्स रुपीस, थ्री एक्स रुपीस, एंड टोटल सीपी ऑफ ऑफ कितने, सिक्स बॉल, सिक्स बॉल्स है ना, कितने सिक्स बॉल्स, व्हाट इज द कॉस्ट, बाय इंटू सिक्स, सिक्स बाय, दिस इज क्लियर है क्लास, होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लास। नाउ दैट इज द टोटल कॉस्ट, क्या कहते हैं दोनों का कॉस्ट जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, दोनों 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, 3900 इतना रुपीस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड, एक बैट खरीदा है ना, एक बैट तो x, और कितने दो बॉल 2y इक्वल टू 1300, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और क्लास इट इज सेइंग दैट रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस है ना, दिस सिचुएशंस अलजेब्रिकली, तो अलजेब्रिकली तो हमारा ये हो गया है ना, ये जो फर्स्ट का जो आंसर है अलजेब्रिकली, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज अलजेब्रिकली, ठीक है ना, ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लास ज्योमेट्रिकल क्या करेंगे, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इज ज्योमेट्रिकल, एज आई टोल्ड यू क्लास कि आप जो होता है जैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे, तीन पॉइंट वी विल सेलेक्ट, फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री पॉइंट, आफ्टर दैट वी विल रिप्रेजेंट इट, है ना, तभी भी आपका आंसर यही आएगा। सपोज सॉल्व कर, मैं अलजेब्रिकली सॉल्व कर दे रहा हूं है ना, एंड यू विल फाइंड द ग्राफिकली है ना, यू विल फाइंड ग्राफिकली क्लास, दैट इज एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 1300 है ना, देन वी मल्टीप्लाई इन इक्वेशंस थ्री, थ्री में सेकेंड में थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू 3900, नाउ दिस इज द 3x प्लस 6y, 6y इक्वल टू 3900। क्लास ये कैसा है, कैसा हमें इक्वेशन मिल रहा है, ये थोड़ा चेक तो कर लीजिए, a1 वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, दिस, और जब ऐसा ये तीनों देखो, थ्री अपॉन वन इक्वल टू सिक्स अपॉन टू इक्वल टू क्या है 3900 अपॉन थ्री, सॉरी 1300, ये तो थ्री थ्री ये सारे इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल आते हैं तो क्या होंगे, कोइंसिडेंट हो जाएगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा है ना, जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे इसी पे और इसी पे दोनों ओवर लेप करेंगे, तो इसका क्या होगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इतने सॉल्यूशंस होंगे वी कांट एबल टू फाइंड इट क्लास, जितने मन करे उतने आप निकाल सकते हो खुद से, होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। यस क्लास, it is saying that that is the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes, kitne hai 2 kg, ye question number 3,
2 केजी एप्पल्स एंड 1 केजी ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे, है ना, दे वॉज फाउंड टू रुपीज 160, 160 रुपए की 2 केजी एप्पल और 1 केजी जो होता है ग्रेप्स खरीदा गया क्लास. एंड आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट वॉज 4 केजी एप्पल एंड 2 केजी ग्रेप्स विल बी दिस रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, है ना. आई थिंक यू आर एबल टू डू इट इजली. लेट सेम थिंग्स द सॉल्यूशंस. लेट 1 केजी, लेट 1 केजी एप्पल एट द रेट ऑफ एक्स रुपीज, है ना, एक्स रुपीज के रेट से उसने खरीदा, और ग्रेप्स 1 केजी ग्रेप्स एट द रेट ऑफ रुपीज वाई के रेट से ये खरीदा, तो क्लास क्या हो जाएगा, दैट विल बी द 2 केजी कॉस्ट, 2 केजी एप्पल कॉस्ट, सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू टू 2x, एंड 1 केजी ग्रेप्स का तो यू वेल नो, है ना, सीपी दैट विल बी वाई रुपीज. आफ्टर दैट टोटल कॉस्ट, टोटल सीपी एप्पल प्लस ग्रेप्स इक्वल टू कितना हो गया क्लास, 2x प्लस वाई इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी 160 रुपीज. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशंस क्लास, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशंस. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, दैट विल बी आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ मंथ, ठीक है ना. तो आफ्टर अ मंथ व्हाट हैपेंड, आफ्टर अ मंथ व्हाट हैपेंड, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 केजी, सीपी ऑफ 4 केजी एप्पल इक्वल टू कितना हो गया, रहेगा सेमी 2 केजी 3, दैट विल बी एक्स इंटू 4x, एंड सीपी ऑफ कितना 2 केजी ग्रेप्स विल बी एक्स इंटू 2, दिस विल बी 2y, टोटल सीपी एप्पल प्लस ग्रेप्स इक्वल टू कितना हो गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 क्लास. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशंस. Now this is your second equation. You can represent easily graphically or आपको दो तीन मेथड बताया गया है, उन दो तीन मेथड में से जो आपको सुटेबल लगे, है ना, यू कैन डू इट. सब्सटीट्यूशन से भी यहां से कर सकते हैं. सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होगा, y इक्वल टू 160 माइनस 2x, ये फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन में वी विल पुट, तो ये कितना हो गया 4x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 160 माइनस 2x इक्वल टू 300. दिस विल बी 4x प्लस 320 माइनस 4x इक्वल टू 300. क्लास ये किस टाइप का इक्वेशन आ रहा है पहले चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये सारे जो होते हैं कैंसिल, वही उसी टाइप का होता है, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस. a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. सॉल्व करने से पहले ये जरूर देख ले, ताकि बार बार जो होता है आपको ये फेस नहीं करना पड़े, ठीक है क्लास. नाउ दिस वन इज द 2 upon 4, 1 upon 2, और ये कितना हो गया 160 upon 300.
तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो गया क्लास, तो क्या होगा नो सॉल्यूशंस। इसका क्या होता है नो सॉल्यूशंस, ये इसके इक्वल टू नहीं है, तो दैट विल बी नो सॉल्यूशंस क्लास। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग, क्या कर रहा है इंटरचेंजिंग क्लास, सम ऑफ टू डिजिट नंबर द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, व्हाट इज टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर किसको कहते हैं, 10, 12, 13, ये सारे टू डिजिट नंबर है, 35, 38, 59, 65, दो डिजिट नंबर, दीज आर द, यानी 10 से शुरू होता है और 99 तक टू डिजिट है ना, टू डिजिट नंबर। तो कहता है एनी नंबर, टू डिजिट नंबर, नंबर फॉर्म्ड बाय द इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। क्लियर है क्लास। कहता है सम ऑफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टू डिजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे 65 है, 65 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे 10 × 6 + 5, है ना, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा क्लास, दैट विल बी द यूनिट डिजिट, दिस इज योर यूनिट, यूनिट डिजिट, और इसको हम लोग बोलते हैं टेंस डिजिट, है ना, टेंस डिजिट, टेंस प्लेस, और इसको बोलेंगे टेंस डिजिट, है ना, टेंस, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट। तो इस तरीके से तो नंबर बनेगा, है ना, वी विल सपोज दैट लेट, लेट यूनिट प्लस लेट अ नंबर ऑफ टू डिजिट, टू डिजिट, टू डिजिट, अ नंबर ऑफ टू डिजिट अ नंबर लेट अ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर यूनिट प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई, है ना, टेंस प्लेस वाई हो गया क्लास और यूनिट प्लेस एक्स हो गया क्लास। नाउ नंबर क्या होगा, नंबर अगर एक्स और वाई दिया तो टेंस प्लेस पे नंबर होगा वाई प्लस एक्स, दिस इज आर नंबर और ये हमारा क्या है डिजिट है, ये बाई जो होता है डिजिट है, कोई भी डिजिट है, वी डोंट नो, ये डिजिट है, है ना, कौन सा डिजिट है वी डोंट नो, है ना, बट इट इज अ डिजिट, तो ये डिजिट है। एंड कहता है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द इंटरचेंजिंग, अगर इंटरचेंज करेंगे, इंटर चेंजिंग, है ना, नंबर इंटरचेंज करेंगे तो क्लास क्या आएगा 10x + y, दिस इज डिजिट प्लेस को हम लोग जो x है उसको y और जिसको y है उस पे x, इंटरचेंजिंग द मीनिंग ऑफ 65 है तो 56, है ना, 59 है तो 95, इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट इंटर चेंज करेंगे क्लास। डस्टर नाउ 10x + y, दिस इज द नाउ क्लास। अब कहता सम, दोनों का सम कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, 10x + y + 10y + x = 110, ये क्या हो गया बताना थोड़ा, दैट विल बी द 11x + 11y = 110, 11 वी विल टेक कॉमन, y = 110 क्लास। नाउ
दैट इज द एक्स प्लस वाई इक्वल टू 110 अपॉन 11, दिस विल बी 10. तो क्लास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशंस. ये हमारा क्या हो गया क्लास फर्स्ट इक्वेशंस. नाउ सेकेंड इक्वेशंस में हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशंस बनाने के लिए. सेकेंड इक्वेशन है टू वेरिएबल इक्वेशन है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल है क्लास, तो टू इक्वेशंस तो बनेगा है ना, पेयर में तो इक्वेशंस बनने बनने हैं. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड द न्यू नंबर इज द 10. यस क्लास, नाउ दिस इज द एक्स प्लस वाई equal to 10 and this is 10 is subtracted from first number is this, जो number जो हमारा original number है वो कितना है 10y plus x minus 10. अगर इसमें 10 subtract करते हैं class, then कहता है subtracted from the first number, the new number is 4, the new number is 4 more than, जो न्यू नंबर जो बनेगा वो 4 देन क्या होगा 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट. तो सम ऑफ डिजिट एक्स प्लस वाई, सम ऑफ डिजिट एक्स प्लस वाई 5 टाइम्स 4 मोर है ना क्लास. कहता है 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, 5 टाइम्स से 4 ज्यादा होगा जो नंबर बनेगा क्लास दिस वन है ना. तो अब ये जो नंबर बन रहा है इससे एक इक्वेशंस हमारा मिल जाएगा क्लास. नाउ लुक एट दैट इज द 10y प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 4 दिस वन क्लास. नाउ दिस विल कम दिस साइड, या इसको उधर लेके जाइए जो आपको आसान पड़े इजली है ना. 5y और ये हो गया प्लस x माइनस 5x, ये 10, 4 प्लस 10, ये हो गया 5y माइनस 4x इक्वल टू 14 क्लास. और इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 14. ये आपका सेकेंड इक्वेशंस हो जाएगा. क्लियर है. अब ये जो सेकेंड इक्वेशंस आपका हो क्लास, अब किसी भी मेथड्स व्हाट एवर मेथड, दिस वन इज द फर्स्ट मेथड, दिस वन इज सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन, आपको जो इजी लगे है ना, यहां से थोड़ा सॉल्व कर ले तो आई थिंक इट विल इजी. सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यू कैन यूज इट है ना. x की जगह 4 इंटू यहां पर लिख देंगे पुटिंग x वैल्यू है ना इन इक्वेशन सेकेंड में. तो ये कितना हो जाएगा क्लास 10 माइनस वाई माइनस 5y इक्वल टू माइनस 14. देखिएगा कैसे डिजिट आ जाएगा 40 माइनस 4y माइनस 5y इक्वल टू माइनस 14. अब ये देखिए ये कितना हो गया 40 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 14. इस साइड थोड़ा रफ कर दूं क्लास, जगह नहीं मिल रहा. एंड क्लास दिस वन, दिस इज द 40 प्लस 14 इक्वल टू 9y. तो ये कितना हो जाएगा 54 अपॉन 9 इक्वल टू यानी वन डिजिट वी हैव गॉट 6 होगा. वन डिजिट क्या होगा क्लास 6 होगा. पर अदर डिजिट व्हाट विल बी द अदर डिजिट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in any equations, कोई भी एक equations पे रख करके, first equations पे रख दूं क्या
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है. वी विल पुट दिस वैल्यू, दैट इज द 6 इज इक्वल टू 10, और ये हो गया x इज इक्वल टू 6 माइनस 10 माइनस 6, दिस विल बी 4 क्लास, है ना. और हमारा नंबर क्या होगा, नंबर इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या था, व्हाट विल बी द ओरिजिनल नंबर, 10 x 10 y plus x, तो इन द प्लेस ऑफ y क्या होगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ y, कितना निकल रखा है y 6 एंड x हाउ मच, दिस वन इज द 4, कितना होगा 64. क्लास डू यू वॉन्ट टू चेक इट कि मैंने जो सही निकाला है वो सही है या गलत. तो सीधी सी बात, क्या कहा कि दोनों नंबर का सम, एक तो 64 ओरिजिनल नंबर है और इंटरचेंज करने पे यानी 46, दोनों का सम कीजिए तो 110 आ रहा है. इफ यू विल गॉट सम ऑफ चेंजिंग मेन नंबर और इंटरचेंजिंग द नंबर, दोनों को दोनों का सम कितना होना चाहिए क्लास, 110. तो आई 6 × 10 = 11, है ना. सो यू आर राइट, ये जो होता है आपका चेक हो गया, है ना. होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.